ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। शिव कथा कहती है, नंदी का एक पांव जो ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग कर, पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दे तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो। जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवाल मिल जाए तो उससे टिक जाऊं, दीवाल नहीं मिली तो ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंभा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए उस पर बैठ जाऊं। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवाल ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो तो दिल दुखे, तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।